मु वर्तमान अनुरोध करबी आम सहित अछंती गुप्ताजी अछंती श्री मोहित गुप्ताजी एवं तांकर परिचय मु देई सारिछि जे जो प्रयास से आरंभ करिछंती तांकर अभिज्ञता सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट गुप्ताजी टू काइंडली शेयर योर एक्सपीरियंस एंड आल्सो द सब्जेक्ट रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपिंग क्रिएटिव इकोनॉमी. थैंक यू वेरी मच शक्ति जी. रंजन सर ने कहा कि मुझे उड़िया नहीं आती, तो उन्होंने इसलिए इंग्लिश अंग्रेजी का माध्यम चुना. और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे उड़ियाओं के साथ बहुत समय से रहा हूँ, और उसमें से प्रकाश जी ने बहुत प्रकाश डाला है मेरी इस भाषा पे, तो मैं भाव को बहुत अच्छे से समझता हूँ. और भाव ही सबसे ज़रूरी चीज़ है मुझे लगता है किसी भी कार्य को करने में. तो उस पूरे भाव के साथ जब ये एजुकेशन कॉन्क्लेव सीजन 2 हो रहा है, वो भी आर्गस द्वारा आयोजित, तो उस पूरे भाव को मेरा नमन और आप सबका बहुत बहुत आभार. मैं अपने वक्तव्य को पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि जितना हो सके हिंदी में करूँ. और यहाँ ऐसा कोई जिसको हिंदी नहीं आती है वो अपना हाथ खड़ा कर दें, इसका मतलब सबको आती है. अगर हाथ नहीं खड़ा हो तो इसका मतलब आती है, वरना आप मेरी बात नहीं समझ पाते. मैं सुबह से सारे वचन सुन रहा था, और कल जब मेरे पास पूरा नोट आया कि आज इस कॉन्क्लेव में कौन कौन आ रहा है, तो खास तौर पे मेरी नज़र गई नताशा जी के प्रोफाइल पे, और उसमें मैंने देखा इंस्टाग्राम. तो चलते वक्त कल मैंने अपनी बिटिया से कहा कि भाई कल मैं किसी से मिलूंगा जो इंस्टाग्राम में है, तो उसकी खुशी का ठिकाना है ना, तो 11 साल की स्कूल जाने वाली एक बच्ची है जो अब उम्र के उस पड़ाव पे आ गई है कि जहां उसको आईफोन का लेटेस्ट वर्जन चाहिए. ना सिर्फ उसके लिए चाहिए, हमारे लिए भी चाहिए, क्योंकि उसको अपने दोस्तों को भी बताना होता है कि भाई देखो हमारे घर में सबके पास आईफोन का लेटेस्ट वर्जन है. और मैं समाज के उस युग से आता हूँ, उस समय से आता हूँ जब मेरे पास आखिरी फ़ोन ब्लैकबेरी था, और उसके बाद कई सालों बाद जब मैं आईफोन पे आया तो मुझे बड़ी मुश्किल हुई. तो जब मैंने उसे बताया इंस्टाग्राम से कोई आ रहा है, तो बाकी दोस्त उसके बात करते हैं इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, मैं नहीं हूँ इन माध्यमों पे, लेकिन जो कार्य अब मैं करता हूँ किताबों के माध्यम से वो बिल्कुल सोशल मीडिया ड्रिवन है, वो बिल्कुल सोशल प्लेटफॉर्म है. और सुबह से जो कुछ बात हुई मैं उनको सामने रखते हुए आपको कुछ कहानियाँ सुनाता हूँ, और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपकी जिज्ञासा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो. तो पहली कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं एक स्कॉटिश महिला जो कि एक आर्टिस्ट थी, चित्रकार थी, और भुवनेश्वर में आके अगर चित्रकारी की बात ना करो तो बात पूरी नहीं होगी. उनका नाम मिलेन शिमिल्ट है. अगर आप सब गूगल करें, मैं आपको मौका दे रहा हूँ अपने फ़ोन उठाने का और गूगल करने का. इलेन शिमिल्ट एक स्कॉटिश क्रॉप जीन ऑर्गेनाइजेशन के पास गई जो कि क्रॉप के ऊपर यानी खेती के ऊपर काम करते थे, और उन्होंने खेती के जीन्स, जो जीन्स होते हैं उनको एनालाइज किया. और एरिक एलन शिमिल्ट ने उसके बाद जो चित्र बनाए वो आज की तारीख में इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चित्रों में से कहे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जीन्स का एक ऐसा पैटर्न दिया जो कि साइंटिस्ट को भी नहीं पता था. यानी उन साइंटिस्ट की भी लर्निंग हुई जो जीन्स के महारथी थे. क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रिएटिविटी ऐड करी, उसमें आर्ट ऐड करी, किसी और को लेके आए जो बाहरी दुनिया से आया था. वरना सोचिए जो किसान साइंटिस्ट होते हैं, जो क्रॉप साइंटिस्ट होते हैं, उनके लिए एक आर्टिस्ट के साथ बात करना, दो अलग अलग जमानों से आते हैं. ऐसा लगता है कि जैसे दो अलग पहलुओं की बात हो रही हो. तो पहली कहानी. दूसरी कहानी दिल्ली, जिस शहर से मैं आता हूँ, और ये कहानी है डॉक्टर मधुमिता पुरी की, जो एम्स में काम किया करती थी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी, और एक ऐसे डिपार्टमेंट में थी आज से 40 साल पहले जहाँ पर डिसेबल्ड यानी वो नवजात शिशु जो डिसेबल्ड होते थे, कोई अपंग होते थे, किसी का एक पैर नहीं था, हाथ नहीं था, उनको छोड़ दिया जाता था. तो वहाँ से मार्मिकता के साथ उन्हें समझ में आया कि इन बच्चों का होगा क्या. तो उन्होंने एक संस्था चालू करी जहाँ पर इन बच्चों की देखरेख होने लगी. लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, इनको ये समझ में आया कि इनको जॉब भी देनी होगी, स्किल्स, फ्यूचर ऑफ वर्क, और उस सोसाइटी के उस सेगमेंट के लिए जिस पर शायद हम ध्यान नहीं देते. तो डॉक्टर मधुमिता पुरी ने दूसरी एक और प्रॉब्लम को उठाया जो कि, जो मैंने अभी एक टॉफ़ी खाई यहाँ पे, एल्पेन लीबे रखी थी शायद, या पार्ले की कोई टॉफ़ी थी. उन्होंने देखा कि हम बच्चों को सबसे पहले टॉफ़ी देते हैं लेकिन टॉफ़ी का रैपर फेंक देते हैं, और वो रैपर जाता कहाँ है,
आपके मेरे पानी के उन स्रोतों में जहाँ जाके वो फंस जाता है। तो उन्होंने दो प्रॉब्लम्स को, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दोनों को साथ लेके आई और इन्होंने उन डिसेबल्ड लोगों को एक ऐसा माध्यम दिया जिससे ये टॉफी के जो रैपर हैं उससे कपड़ा बनाया जा सके। और आज वो एक संस्था चलाती हैं जो कि है एनजीओ लेकिन किसी से ग्रांट फंड नहीं लेते, वो अपने आप खुद से सेल करते हैं। तो स्किलिंग एट वर्क एंड यूजिंग क्रिएटिविटी एंड विजडम टू डू समथिंग मीनिंगफुल, दैट्स द सेकंड स्टोरी। तीसरी कहानी सबकी बड़ी पसंदीदा कहानी, खासतौर पर जेन जी को शायद ये ना पता हो, कितने लोगों ने यहाँ शोले नहीं देखी, शोले मूवी, कितने लोगों ने यहाँ शोले नहीं देखी? जैसे मैं हिंदुस्तान में पूछूं कितने लोग सचिन तेंदुलकर को नहीं जानते, शोले भी कुछ ऐसा ही है। शोले सिर्फ कहानी जय और वीरू की नहीं थी, शोले कहानी ऐसी कई दोस्तों की थी जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है उस फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी का। रमेश सिप्पी 25 साल के थे, उससे पहले 7 साल पहले वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए जहाँ वो इकोनॉमिक्स ही पढ़ाई करने गए। उनके फादर जी पी सिप्पी एक बड़े एस्टेब्लिश्ड प्रोड्यूसर हुआ करते थे बॉलीवुड के, और सबने कहा अरे रमेश सिप्पी ये क्या पिक्चर बनाएगा, इसको तो क्रिएटिविटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इतना रईस इसका फादर है, ये जो चाहेगा कर लेगा। सो मच सो कि जब जौहर साहब के पास उनको भेजा गया, जब वो जौहर इन गोवा बना रहे थे, तो उन्होंने रमेश सिप्पी को भगा दिया कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे पिताजी इतने बड़े इंसान हैं कि तुम जहाँ चाहते हो जो करना चाहते हो, 23-24 साल पर कोई मूवी नहीं बना सकता। मैं आपको बता दूँ, शोले से पहले उन्होंने दो और बड़ी कमाल की पिक्चरें बनाई थी जो कि सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली पहुंची थी, उनके नाम आप खुद ढूंढ लीजिएगा। लेकिन मैं शोले की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। मुझे लगता है इस बहाने आप शायद अपना फ़ोन छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फ़ोन जो है हमारी एजुकेशन का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन गया है। वो पढ़ाता तो है हमें लेकिन हमें एक अलग से जुनून में भी डालता है। तो शोले की कहानी रमेश सिप्पी की कहानी है, जब वो 25 साल के थे और उन्होंने शोले जैसी पिक्चर बनाई। आप सबको बता दूं 70 mm की वो पहली पिक्चर थी, 70 mm ब्रॉड। शोले एक ऐसी पिक्चर थी जिसमें पहली बार विदेशी स्टंट डायरेक्टर्स को लिया गया था उस बड़े बजट पे, 1 करोड़ के बजट से वो 5 करोड़ पे गई। रमेश सिप्पी जिनकी क्रिएटिविटी को लेकर सवाल खड़ा किया गया था, वो पिक्चर अब तक के इस दशक की, इस पूरे सेंचुरी की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवीज कहलाई, दैट इज शोले। इस शोले पे मैं लगभग 320 घंटे बोल सकता हूँ क्योंकि वो पिक्चर 3 घंटे 20 मिनट की थी, लेकिन मैं 320 घंटे बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे उसमें रमेश सिप्पी की वो क्रिएटिविटी दिखाई पड़ी जो आज तक हम उसको रिपीट नहीं कर पाए। तो ये थे रमेश सिप्पी। इन तीनों कहानियों में अगर आप देखें, एलन शमिट मधुमिता पुरी जो कि दिल्ली से आती हैं और रमेश सिप्पी जो बम्बई से थे, एक खास बात है, एक खास कनेक्टिविटी है, वो है क्रिएटिविटी। और दूसरी थी उनकी सीखने की क्षमता, टू लर्न एवरी थिंग वॉट दे वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड विद अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो अगर हम इन तीनों कहानियों को मिलाएं तो हमें पता लगता है कि जो एजुकेशन है, जो हमारी सीखने की कैपेबिलिटी है, उसमें क्रिएटिविटी को हम कैसे ऐड करें। और मेरे को जब सब्जेक्ट प्रकाश जी ने दिया कि भाई तुम एजुकेशन का रोल क्रिएटिव इकोनॉमी में बोलना, और तुमसे पहले प्रमोद सिन्हा आएंगे और ये सब्जेक्ट हम उनको देना चाहते थे, मैंने कहा गई भैंस पानी में, और कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करी, मैंने प्रमोद जी की किताब भी पढ़ी थी पहले, तो मैंने जब प्रकाश जी को बताया कि वो बड़ी अद्भुत किताब भी है और इसी सब्जेक्ट पे है, इत्तेफाक से क्योंकि मेरे को पढ़ने का और सीखने का शौक है, मैं थोड़ा जिज्ञासु हूँ,